राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं सोनल, आपका स्वागत है मेरी किचन में। आइए दोस्तों, आज हम बनाते हैं सूजी का उपमा, जो कि बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी है, जो बच्चों से लेके बड़ों तक की सबकी पसंद होती है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ले ली है, इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ कर लिया था। साफ करने के बाद मैंने इसे एक कढ़ाई में डालकर गैस ऑन करके भूनने के लिए डाल दिया है। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे, इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ इसका मोशन निकलने तक ही भूनना है। अब इसको ज़्यादा ब्राउन ना करें, अब सूजी लग ना जाए, इसीलिए मैंने गैस को बंद करके कढ़ाई को उतार लिया है। अब हमने दूसरी कढ़ाई ली है, उसमें एक चम्मच तेल डाल दिया है। आप तेल कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। तेल के गर्म होने के बाद मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया था और फिर इसमें आधा चम्मच मैंने सरसों के दाने डाल दिए। जैसे ही वो चटकने लगे वैसे इसमें मैंने मूंगफली के दाने डाल दिए और इनको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं और कड़ी पत्ते का यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली उपमा में कड़ी पत्ते का ही यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी का यूज़ किया है, क्योंकि कसूरी मेथी हमें बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पर मूंगफली भुन गई थी तो मैंने थोड़ी सी प्याज डाल दी थी और उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। इनको लगातार चलाते रहेंगे, जैसे ही थोड़ी सी भुन जाएंगी उसके बाद हम कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे, इसको भी लगातार चलाते रहेंगे। सारी सब्जियों को एक एक करके ही डालें, एक साथ ना डालें, क्योंकि एक एक करके भुनने से इनका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने अब कटे हुए टमाटर डाल दिए और इनको अच्छी तरीके से भून लेंगे। इन सब्जियों को तब तक भूनेंगे जब तक कि सब्जियाँ नरम ना हो जाएं, और देखिए सब्जियाँ नरम हो चुकी हैं। सब्जियों के नरम होने के बाद इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे स्वाद अनुसार मैंने नमक लिया है और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर मिला देंगे। जैसे हमारी सब्जी में नमक मिल जाए उसके बाद हमने इसमें पानी डाल दिया है। मैंने एक कटोरी सूजी ली थी तो उसका ढाई गुना आप पानी लीजिए, तो मैंने यहाँ पर ढाई कटोरी पानी डाला है और इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। पानी को अच्छी तरीके से मिला देने के बाद अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारे सब्जी में उबाल आया है कि नहीं। अभी दोस्त उसे 3 मिनट के लिए फिर से कवर कर देंगे और सेकंड टाइम हम इसको चेक करेंगे तो हमारी सब्जी अच्छी तरीके से उबल चुकी है, काफ़ी अच्छा उबाल आ रहा है। तो सारी सब्जियाँ नरम हो चुकी हैं, तो अब इसमें हम सूजी डालेंगे। दोस्तों सूजी को एक साथ ना डालें, 2-3 बार में डालें, क्योंकि अगर आपने सारी सूजी डाल दी तो एक साथ हो सकता है ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, और धीरे धीरे करके अगर सूजी डालेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा रहेगा कि इसमें कितनी सूजी डालनी है, क्योंकि सूजी तुरंत डालते ही ना फूलती है और पानी को अब्जॉर्ब करती है। तो देखिए मेरी एक कटोरी सूजी जिसमें मैंने 2.5 कटोरी पानी लिया था, सही माप का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए पूरा सूजी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है और हमारा उपमा रेडी है। अब इसे थोड़ा सा सेट होने के लिए इसे 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। उससे पहले हम इसमें धनिए को स्प्रिंकल करेंगे। मैंने धनिए को पहले से ही काट कर और धोकर रख दिया था और इसको धनिए से हमने सजा दिया है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। यहाँ पर मैंने धनिए को भी उपमा में अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब हम इसे फिर से कवर करके रख देंगे जिससे जो भी थोड़ा बहुत पानी हो वो भी अच्छे से सेट हो जाए। और देखिए यहाँ पर हमारा धनिया भी अच्छे से उपमा में सेट हो चुका है। तो दोस्तों इस रेसिपी को बनाइए और सबको खिलाइए। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी होती है और सुबह के नाश्ते में आप इसे एनी टाइम बना सकते हैं, मोस्टली इसे सुबह के टाइम बनाया जाता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस रेसिपी को आप एनी टाइम बनाकर खा सकते हैं, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, आप इनको बड़ों को भी दे सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी इसलिए है क्योंकि इसमें आप कितनी भी सब्जियों को ऐड कर सकते हैं, साथ में मूंगफली भी डली होती है, तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है।